टुडे इज मूविंग डे। ये मूविंग डे में अपने को बेसिकली इन्वेंटरी शिफ्ट करना, हम दो राउंड्स में कर रहे हैं। एक राउंड में अपन सारे प्रिंटर, कई सारे बॉक्सेस, काफी पैकेजिंग मटेरियल वो सारा हटा चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इन्वेंटरी को शिफ्ट करा रहे हैं। और आज 31st है ना, तो न्यू ईयर का वहाँ पर लंच भी है एंड उसके अलावा हम ऑफिशियली इन वो कर देंगे, इनॉग्रेशन हो जाएगी अपने नए एरिया की। तो अब ऐसा है कि अपने ने पहले याद है अपने को पैकिंग के लिए इतना दिक्कत आ रहा था, तो फाइनली जाके क्या अचानक से अब नाउ वी हैव 3 पैकर्स। आप लोग देख रहे हो पीछे सारा काम चल रहा है, बट दिस इज टुडे या टुमारो इज गोइंग टू बी द फाइनल डे। हम यहाँ से कर रहे हैं, इसके बाद अपन सारा आधा सामान ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं, वो अपन ने डॉक्यूमेंट नहीं किया एंड वो, बट वहाँ पर दिखा देंगे सारा सामान। वहाँ पर टाइल्स लग चुकी हैं, वाइट वॉश हो गया और कल तो अपन पक्का कल या परसों तक पूरा शिफ्ट हो जाएंगे। अब वहाँ से सारा काम शुरू हो जाएगा धीरे धीरे करके। गाइस देख रहा हूँ धीरे धीरे करके एक एक चीज़ सॉल्व करते रहो, प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। यू पिक आउट अ प्रॉब्लम, ये जो चल रही है उसको सॉल्व करो, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब अगला प्रॉब्लम को कस्टमर सपोर्ट वाला भी सॉल्व करना है। पैकिंग वाला प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, अभी इनकी ट्रेनिंग होना है, सब कुछ होना है, बट बेबी स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं। ये शिप रॉकेट से बात हो रही है, मतलब होनी है अगर उठाए तो। कोई बार आपको बताया था शिप रॉकेट एंगेज वाला प्राइसिंग अपने को देखना है, कैसे ठीक करना है उसको, तो उसको लेके मेरे को किसी ने फॉलो अप नहीं किया है। हमारा भी 70-80 है, लेकिन भाई जैसे मैं कह रहा था ना, हम नई फैक्ट्री में मूव इन कर रहे हैं, तो अपनी ये डबल कर देंगे, 100-150 के आसपास बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे हम। कितना कम करेंगे तब? तो 100-150 क्रॉस जब करेंगे तो चलो ठीक है, वो तो जल्दी पहुंच जाएंगे फिर, मतलब अगले हफ्ते हो जाएगा शुरू ये वाला। अच्छा नेक्स्ट मुझे तो मैं आपको तब से फिर फ़ोन करूँगा रिमाइंडर के लिए। और हमें अगर उसका करना है कि हमें मतलब बेटर प्राइसिंग ऑन शिपिंग वगैरह, क्योंकि वो भी मेरे को थोड़ा पिंच कर रहा है, लाइक हाउ कैन वी गेट बेटर प्राइसिंग ऑन शिपिंग, ब्लू डार्ट या फिर ई कार्ट, किसी का भी बेटर प्राइसिंग हो सकता है कि अगर आफ्टर 150 ऑफ कोर्स। 2 जनवरी को अकाउंट मैनेजर असाइन हो रहा है, तो वो खुद ही कॉन्टैक्ट करेगा अपने को। आई विल लेट यू नो। तो फिर तो आपको नहीं कॉन्टैक्ट करूँगा 2 जनवरी के बाद, उनको कॉन्टैक्ट किया करूँगा जो भी इशू हो। हमारा रिश्ता यहीं का रहा, खत्म हो गया न्यू ईयर पे, बस खत्म। चलो सही है, बढ़िया है, बढ़िया। चलो डन, ठीक है, चलो ओकेजनली हो गया, बढ़िया। एवरी प्रोडक्ट को हम स्टिकर लगा रहे हैं, तो हमारे को ऐसे स्टिकर शीट है अपने पास, बट वी नीड टू गिव देम ऑल द एसक्यूज के स्टिकर शीट्स। बना देंगे, प्रिंट करके ले जाऊंगा, कोई इशू नहीं। और एक वो बड़ा वाला भी आपने मंगाया था, एंडिंग विद अ न्यू बिगिनिंग हो रहा है। और बताओ गाइस आपका 2022 कैसा गया? चलो पास्ट का तो ठीक है, बट फ्यूचर का ही बताओ, 2023 में क्या करना है, कमेंट्स में बताओ जरा नीचे। सॉर्टेड सर, बस अपने को अनपैकिंग करनी है, लेबल प्लेट में इन्वेंटरी एंड शेल्स। अच्छा शेल्स कंप्लीट, ये देखो ये वाला। कितने रैक है सर इसमें? एक इसमें 6 क्यूब बन जाते हैं। हां सर, वो भी सही है। एक ब्लू डॉट हो गया, डिलीवरी का हो गया, और एक बड़े वाला डॉट हो गया। ऐसे करके सेटअप कर देते हैं कि अगर इनको
आज से या कल से पैकिंग शुरू करना है तो वी हैव एवरीथिंग हियर, वो शुरू कर सकते हैं जैसे हमारे वहां पर सिस्टम बना हुआ है। अभी तो आई थिंक अभी काम ही नहीं है, आप तो कुछ काम ही नहीं है, दो कॉपी सेक लेना थोड़ा सा ऊपर जाके। हैप्पी न्यू ईयर गाइज, 2023 शुरू हो चुका है, ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा सही रहे मेरी ये उम्मीद रहेगी। गॉड ब्लेस यू, और नीचे मेक श्योर करना लाइक और सब्सक्राइब करना। आपको मैं अगले व्लॉग में मिलता हूँ।